अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जैसा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान NA240 कराची के अंदर इलेक्शन जो है ना जीतने जा रही थी और जीतने के बिल्कुल ही करीब थी और तकरीबन जीत भी चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो सूरत हाल थी, जिसका डर था, वही सूरत हाल हो गई और जो है ना MQM को जितवा दिया गया धांधली करके। इसके बाद अलामा साद हुसैन साहब ने दोबारा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी, दोबारा वोट गिनने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन इसको अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। और अलामा साद हुसैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने वोट पर हर सूरत पहरा देंगे और किसी को धांधली करने नहीं देंगे, अपना हक लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़ा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद जाना पड़ा, जो करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन अपने वोट की जो है ना हर सूरत में हिफाजत करेंगे। तो आइए हम आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। वोट के ऊपर आखिरी दम तक पहरा देंगे, हमें कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद तक जाना पड़ा इस्लामाबाद जाएंगे, और हर किस्म हर तरह हर फोरम पर इंशाल्लाह अपने वोट के ऊपर पहरा देंगे जी आपका, और इंशाल्लाह धांधली की तह तक जाएंगे और हर मुजरिम को बेनकाब करेंगे जो इस धांधली में मुलव्वस था।